नमस्कार दोस्तों, इन्फोटॉक्स के बहुत ही फ्रेश एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की दोस्तों सबसे पहली अपडेट निकल कर आ रही है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड NTPC की तरफ से, जहां पर उन्होंने राजस्थान स्टेट में कई सारे सोलर पावर प्रोजेक्ट्स डेवलप करने के लिए बिड इन्वाइट कर दी है। दोस्तों सभी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स ग्रिड कनेक्टेड सोलर पावर प्रोजेक्ट्स होंगे, जिनकी टोटल कैपेसिटी 1.2 GW यानी कि टोटल 1200 MW की होगी। एंड ये सभी सोलर पावर प्रोजेक्ट्स इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट एंड कंस्ट्रक्शन मॉडल यानी कि EPC बेसिस पर सेटअप किए जाएंगे। बेसिकली अगर आप मेरी वीडियोस रेगुलरली देखते हो तो मैंने कुछ समय पहले आपको बताया था कि राजस्थान गवर्नमेंट ने उनकी स्टेट में रेन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स को और लार्ज नंबर्स में इंप्लीमेंट करने एंड स्टेट में रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड लार्ज इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए उनकी एक न्यू सोलर पॉलिसी को अनाउंस किया था, जिसके अकॉर्डिंग स्टेट में रेन्यूएबल एनर्जी सेक्टर से रिलेटेड लार्ज इन्वेस्टमेंट्स करने वाली कंपनीज को इंसेंटिव प्रोवाइड करवाए जाएंगे। एंड इसी पॉलिसी के अकॉर्डिंग देश की बड़ी बड़ी रेन्यूएबल एनर्जी कंपनीज ने राजस्थान स्टेट में टोटल 150,000 करोड़ तक की इन्वेस्टमेंट करने की बात कही थी। एंड उसी के अकॉर्डिंग NTPC लिमिटेड ने यह 1.2 GW के सोलर पावर प्रोजेक्ट्स राजस्थान स्टेट में इंप्लीमेंट करने के लिए बिड्स इनवाइट कर दी हैं, जिसमें बिडर्स को सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट 2 से 3 सालों में इन सभी सोलर पावर को सेटअप कर दिया जाने वाला है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस की तरफ से, जहां पर उन्होंने बताया है कि वो एलन मस्क की स्पेस कंपनी SpaceX से इंडिया में उनके सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस लॉन्च करने से पहले कई सारे क्वेश्चंस एंड उनके सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस की डिटेल्स मांगने वाले हैं, ताकि ये पता लगाया जा सके कि क्या SpaceX इंडिया में उनके सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस को इंडियन टेलीकॉम सेक्टर के रूल्स एंड रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग ही लॉन्च कर रही है। बेसिकली एक दो दिन पहले मैंने आपको बताया कि एलन मस्क ने खुद ही कंफर्म कर दिया है कि 2022 तक अक्रॉस द वर्ल्ड उनकी सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस कनेक्टिविटी कमर्शियल अवेलेबल हो जाएगी, जिसमें इंडिया का नाम भी शामिल है। एंड इंडिया में तो ऑलरेडी SpaceX ने उनकी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने के लिए प्री बुकिंग भी स्टार्ट कर दी है। एंड करंटली आप सबको पता ही है कि इंडियन गवर्नमेंट देश की नेशनल सिक्योरिटी को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है, जिस कारण डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस ने काफी सारे स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस इशू किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग नेशनल साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर NCSC से अप्रूवल मिलने के बाद ही कोई टेलीकॉम कंपनी इंडिया में उनके ऑपरेशन स्टार्ट कर सकती है। तो ऐसे में डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशंस SpaceX को भी यही सभी रूल्स एंड रेगुलेशंस फॉलो करने के लिए कहेगी, एंड आल्सो उनके सैटेलाइट इंटरनेट सर्विस से रिलेटेड सभी इक्विपमेंट्स, टेक्नोलॉजीज एंड परमिट्स के बारे में भी इंफॉर्मेशन एंड डिटेल्स मांगने वाली है। बढ़ते हैं दोस्तों अगले अपडेट की तरफ, जो निकल कर आ रही है बेंगलोर बेस्ड इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी विप्रो की तरफ से, जहां पर विप्रो नोएडा बेस्ड एक और इंडियन मल्टीनेशनल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी HCL टेक्नोलॉजीज को पीछे कर इंडिया थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल IT कंपनी बन चुकी है। बेसिकली विप्रो का कहना है कि बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर लास्ट 5 ट्रेडिंग डेज के दौरान उनके शेयर्स रिकॉर्ड हाई देखने को मिले हैं। एंड वहीं विप्रो को लास्ट फाइनेंशियल ईयर 2021 के लास्ट क्वार्टर में अच्छी एंड हेल्दी ग्रोथ देखने को मिली है। एंड वहीं पिछले कुछ समय से विप्रो ने 12 लार्ज डील्स को साइन किया है, जिस कारण डे बाय डे विप्रो के शेयर्स ग्रो होते हुए देखने को मिले हैं। एंड नाउ बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पर विप्रो का टोटल मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.65 ट्रिलियन रुपीस तक पहुंच गया है, जबकि नोएडा बेस्ड HCL टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 2.62 ट्रिलियन रुपीस का देखने को मिला है, क्योंकि HCL टेक्नोलॉजीज के शेयर्स 2% डाउन हुए हैं। एंड इसी कारण विप्रो इंडिया थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल IT कंपनी बन चुकी है। बेसिकली दोस्तों आज से करीब 18 मंथ्स पहले विप्रो इंडिया थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी ही थी, एंड उस समय विप्रो का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.449 ट्रिलियन रुपीस का था। एंड वही HCL टेक्नोलॉजीज का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1.444 ट्रिलियन रुपीस का था। एंड उसके बाद HCL टेक्नोलॉजीज के शेयर्स बहुत तेजी से ग्रो हुए थे, जिसके बाद HCL टेक्नोलॉजीज विप्रो को पीछे कर इंडिया थर्ड मोस्ट वैल्यूएबल IT कंपनी बन गई थी। एंड नाउ विप्रो ने फिर से उनकी उस पोजीशन को दोबारा से रीगेन कर लिया है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है ओडिशा स्टेट के अनुगुल डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड माँ हिंगुला टेम्पल को लेकर, जहां पर महानदी कोल फील्ड लिमिटेड के द्वारा उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड में माँ हिंगुला टेम्पल के सराउंडिंग एरिया के डेवलपमेंट के लिए 9.32 करोड़ रुपीज सेंक्शन कर दिए गए हैं। बेसिकली माँ हिंगुला टेम्पल ओडिशा स्टेट के अनुगुल डिस्ट्रिक्ट के तलचेर में सिचुएटेड है, जो ओडिशा स्टेट का वन ऑफ द मोस्ट सैक्रेड रिलीजियस साइट है। एंड इस टेम्पल में साल भर डिवोटीज एंड पिलग्रिम्स विजिट करने आते हैं, जिस कारण इस टेम्पल के सराउंडिंग एरिया को डेवलपमेंट की जरूरत थी। एंड इसी को देखते हुए माँ हिंगुला ठकुरानी ट्रस्ट बोर्ड ने महानदी कोल लिमिटेड से इस टेंपल में नित्य मंडप एंड जगयान मंडप कंस्ट्रक्ट करने के लिए एंड फंड्स एलोकेट करने के लिए प्रपोजल सबमिट किए थे, जिसके बाद महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने टोटल 9.32 करोड़ रुपीस के फंड्स एलोकेट कर दिए हैं। दोस्तों ये फंड्स महानदी कोलफील्ड लिमिटेड ने उनके कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी फंड्स के अंडर में एलोकेट किए हैं, जिसके अकॉर्डिंग गोपाल प्रसाद में पिलग्रिम्स एंड डिवोटीज के लिए कई सारी सर्टेन टाइप्स ऑफ फैसिलिटीज का कंस्ट्रक्शन किया जाएगा, जो बोथ पिलग्रिम्स एंड लोकल पॉपुलेशन के लिए बेनिफिशियल होंगे। एंड इसे अथॉरिटीज को उम्मीद है कि आने वाले समय में टेंपल फैसिलिटीज बेहतर होने के साथ साथ यहाँ पर टूरिज्म सेक्टर भी और तेजी से ग्रो होगा।
अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है इंडिया लार्जेस्ट पावर जनरेशन इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर कंपनी भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड BHEL की तरफ से, जहां पर उन्होंने देश में डे बाय डे बढ़ती ऑक्सीजन की डिमांड को कैटर करने के लिए उनके मध्य प्रदेश की कैपिटल सिटी भोपाल एंड उत्तराखंड की सिटी हरिद्वार में सिचुएटेड उनके प्लांट्स में से हॉस्पिटल्स को मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करनी शुरू कर दी है। बेसिकली आप सब जानती हैं कि आज कोरोना वायरस ने भारत में कैसा कोहराम मचा रखा है एंड डेली इंडिया में इतने लार्ज नंबर्स में कोरोना केसेस आ रहे हैं, जिस कारण हमारा हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा चरमरा रहा है एंड इससे बढ़ते कोरोना केसेस के कारण इंडिया में मेडिकल ऑक्सीजन की डिमांड बहुत तेजी से बढ़ती जा रही है, जिस कारण देश भर की बड़ी बड़ी रिफाइनिंग एंड स्टील कंपनीज उनके प्लांट्स में से मेडिकल ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स को सप्लाई कर रही है एंड अब भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड ने उनके भोपाल एंड हरिद्वार प्लांट्स में से भी हॉस्पिटल्स को मेडिकल ऑक्सीजन सप्लाई करनी स्टार्ट कर दी है, जिसमें भोपाल प्लांट में से मोर देन 6000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस सप्लाई डेली हॉस्पिटल को की जा रही है एंड वहीं हरिद्वार प्लांट में से भी ऑक्सीजन गैस इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करके अपग्रेड किया जा रहा है, जिसके बाद डेली हरिद्वार प्लांट में से 16000 क्यूबिक मीटर्स ऑफ ऑक्सीजन गैस पर डे सप्लाई की जा सकेगी। तो दोस्तों इस समय हमारे देश को इस तरह के और भी बहुत सारे इनिशिएटिव्स की जरूरत है। बढ़ते हैं दोस्तों अगली अपडेट की तरफ जो निकल कर आ रही है हमारे इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो की तरफ से, जहां पर उन्होंने अनाउंस किया है कि वो इंडिया के फर्स्ट ह्यूमन स्पेस मिशन गगनयान के लिए एक इंडियन डेटा रिले सिस्टम लॉन्च करने वाले हैं, ताकि गगनयान मिशन में थ्रू आउट ऑल द टाइम एक अच्छा कॉन्टैक्ट मेंटेन किया जा सके। बेसिकली दोस्तों ये जो डाटा रिले सैटेलाइट सिस्टम होता है वो स्पेस ऑर्बिट में जो मेन सैटेलाइट होता है उसके साथ प्रॉपर कॉन्टैक्ट मेंटेन करके रखता है एंड उसका सारा डाटा रिसीव करता रहता है। जनरली होता क्या है कि जो सैटेलाइट हमने स्पेस ऑर्बिट में लॉन्च की हुई है वो एवरी टाइम डाटा कलेक्ट करती रहती है, पर क्योंकि जो हमारी अर्थ है वो तो हमेशा रोटेट होती रहती है, जिस कारण स्पेस ऑर्बिट से जब कोई सैटेलाइट ग्राउंड स्टेशन पर डाटा भेजता है तो धरती के घूमने के कारण हर समय इन ग्राउंड स्टेशन की लोकेशन बदलती रहती है, जिस कारण स्पेस से भेजे जाने वाली डाटा की विजिबिलिटी बहुत कम हो जाती है। लेकिन अर्थ पर ज़्यादा ग्राउंड स्टेशन बनाकर इस प्रॉब्लम को ओवरकम किया जा सकता है, पर दोस्तों इस थिंग के लिए बहुत ज़्यादा पैसा खर्च होता है एंड इसी को देखते हुए इसरो ने डिसाइड किया है कि वो गगनयान मिशन से आने वाले पूरे डाटा को रिसीव करने के लिए उनका खुद का एक डाटा रिले सैटेलाइट लॉन्च करेंगे, जो हर समय गगनयान मिशन से प्रॉपर कॉन्टैक्ट मेंटेन करके उसका सारा डाटा रिसीव करता रहेगा। एंड दोस्तों इस डाटा रिले सैटेलाइट को इसरो गगनयान मिशन की लास्ट लैग को लॉन्च करने से पहले ही लॉन्च कर देगा। तो दोस्तों यहां पर हमें इसरो से एक और अच्छी अपडेट देखने को मिल रही है। अगली दोस्तों अपडेट निकल कर आ रही है अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्रोजेक्ट को लेकर, जहां पर द नेशनल हाई स्पीड रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड NHRCL ने बताया है कि देश का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर इंडिया को क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस कम करके आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान दे रहा है एंड फ्यूचर देने भी वाला है। बेसिकली अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर जो देश का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर होने वाला है वो फुली इलेक्ट्रिक पावर से चलने वाला सिस्टम होगा, जिसमें डीजल पेट्रोल और एविएशन फ्यूल इस तरह के कार्बन प्रोड्यूसिंग फ्यूल का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं होने वाला है एंड आल्सो इलेक्ट्रिक पावर से ऑपरेट होने के कारण देश का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर प्योरली इन्वायरमेंटल फ्रेंडली होगा, क्योंकि NHRCL के डेटा के अकॉर्डिंग पर पैसेंजर हाई स्पीड रेल में 600 किलोमीटर की ट्रिप में 8.1 केजी कार्बन मिशन प्रोड्यूस होता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कम है, क्योंकि अगर इसे हम कार ट्रैवल से कंपेयर करें तो कार ट्रैवल में 67.4 केजी कार्बन मिशन एंड वही एयरप्लेन ट्रैवल में 93 केजी कार्बन मिशन प्रोड्यूस होता है जब एक पैसेंजर 600 किलोमीटर की ट्रिप करता है। तो ऐसे में देश का पहला हाई स्पीड रेल कॉरिडोर देश में कार्बन मिशन को कम करने एंड आल्सो क्रूड ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंस को कम करके इंडिया को आत्मनिर्भर बनाने में अपना योगदान देने वाला है। आज की दोस्तों लास्ट अपडेट निकल कर आ रही है हमारे बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, जहां पर उन्होंने हमारी नॉर्दर्न स्टेट पंजाब एंड हमारी यूनियन टेरिटरी जम्मू एंड कश्मीर को ऑल वेदर कनेक्टिविटी प्रोवाइड करने के लिए 160 फीट लंबा एक बैले ब्रिज कंस्ट्रक्ट कर दिखाया है। बेसिकली दोस्तों 160 फीट लंबा बैले ब्रिज तरना रिवर के ऊपर पंजाब के सकोल विलेज को जम्मू से जोड़ने के लिए कंस्ट्रक्ट किया गया है, जिसे BRO ने ओनली 5 डेज में ही बनाकर कंप्लीट कर लिया है। दोस्तों हर साल मानसून के समय इन दोनों प्लेसेस के बीच में रोड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवाने के लिए एक फ्लोटिंग ब्रिज का कंस्ट्रक्शन करना पड़ता था, जिसे बाद में पोस्ट मॉनसून के बाद डी लॉन्च और रिमूव करना पड़ता था, ताकि मॉनसून के समय जो वाटर लेवल नदी में इंक्रीज हुआ है उसे कम किया जा सके एंड इसी कारण दोनों प्लेसेस के बीच में ऑल वेदर कनेक्टिविटी की जरूरत थी, जिसे अब BRO ने 160 फीट लंबा डबल डेकर बैले ब्रिज कंस्ट्रक्ट करके पूरा कर दिया है। तो दोस्तों यहां पर एक बार फिर से बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO ने अपनी स्किल्स को शो किया है। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से कोई अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं, और अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद आपका वीडियो को देखने के लिए।